तो देश में सभी जगह चुनावी माहौल है, जनता भी कयास लगा रही है कि किसकी सरकार बनेगी और ये चर्चाएं सड़क से लेकर घर तक चल रही हैं। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, हर जगह इसी पर चर्चा है कि सरकार कौन बनाएगा, देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्या जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका देगी या विपक्षी दल गठबंधन अपना नेता चुनेगा। इन सभी विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने खास बातचीत की। चर्चा कर रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से। साहब स्वच्छ छवि के व्यक्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी दो चरण के मतदान हो चुके हैं, अपने अपने दावे हैं दोनों पार्टियों के। आप क्या मानते हैं कि इन चार सीटों भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें होंगी? कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, सरकार के समर्थन में मोदी जी के समर्थन का चुनाव है, और चार महीने में हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी को पूरा किया है, इसके कारण से छत्तीसगढ़ में दुगना उत्साह है, मत प्रतिशत इसीलिए बढ़े भी हैं। तो ये चार की चार सीटें पहले और दूसरे चरण की नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की झोली में निश्चित रूप से जाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन चार महीनों पर सवालिया निशान कल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो गुंडागिर्दी भाजपा ही कर रहे हैं, गृह मंत्री के क्षेत्र की जो घटना है कल, उसको लेके एक सवाल उन्होंने पैदा किया है कि चार महीने में ये है और आगे और भी देख सकते हैं आपकी भाजपा किस प्रकार से उद्दंड है। देखिए भूपेश बघेल जी झूठ फैलाने में माहिर है, ये काम तो 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, कैसे यूथ कांग्रेस के लोग बंदूक लहराते हुए दिखे हैं, कैसे लोगों के जमीन पर कब्जा करते हुए दिखे हैं, कैसे लोगों को धमकाते हुए दिखे हैं। ये संस्कृति कांग्रेस की होगी, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति गुंडागर्दी की राजनीति की नहीं रही है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास, दक्षिण के राज्यों की तरक्की बेहतरी, और संपूर्ण देश में आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम हुआ है, मैंने जैसे आपसे कहा कि देश की जनता स्वयं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने और दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़े, भारत का विकास हो, और इसलिए देश की जनता ही चाहती है कि मोदी जी को 400 सीटें मिले, और उस दिशा में स्पष्ट रूप से वातावरण दिख रहा है, जो नारा है वो सच में बदलने वाला है।